أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين عزيزان ہمارا तौहीद और अदल वाला हिस्सा तमाम हो चुका। आज हम आ रहे हैं दूसरे उसूल दीन पर यानि नबूवत पर। नबूवत के सिलसिले में पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि नबूवत की क्या ज़रूरत है, नबूवत की ज़रूरत क्या है, तभी हम नबूवत की बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले ज़रूरत, वाई प्रॉफिटहुड, नबूवत क्यों, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की। तो इस सिलसिले में हम यूँ शुरू करेंगे कि जैसा हमने तौहीद के सिलसिले में पढ़ा था कि एक वजूद है, एक आदम है, फिर मुमकिनुल वजूद है और वाजिबुल वजूद है, हैं, और फिर वाजिबुल वजूद के मुकाबले में मुमतानियुल वजूद है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस वाले हिस्से में से हमारे लिए एक नुक्ता निकलता है और वो ये है कि आदम कभी वजूद को जन्म नहीं दे सकता है, आदम कभी वजूद को जन्म नहीं दे सकते, यानी आदम में से वजूद नहीं निकल सकता है, आदम में से वजूद नहीं निकल सकता तब तक जब तक न कोई निकालने वाला हो, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं। यानी ना होने में कोई चीज आज खुद बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा नहीं हो सकती है, यानी जो चीज़ होगी उसका कोई ना कोई पैदा करने वाला होगा, या तो वो पैदा करने वाला कोई सुपर नेचुरल बीइंग होगा या नेचुरल जो कुछ है उसमें, या तो एक साहिब इख्तियार, साहिब इरादा, बा अकल हस्ती होगी जैसे इंसान है, या किसी प्रोसेस है, कोई अमल है जिस अमल के ज़रिए से नई चीज़ वजूद में आएगी, या तो एक प्रोसेस होगा, अगर प्रोसेस नहीं होगा तो फिर बा अक्ल, बा इरादा और बा इख्तियार शाही होनी चाहिए और वो है इंसान, बाकी और कोई नहीं, ठीक है। यानी हैवाना जो है वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि रिप्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन वो प्रोसेस है, यानी वो अपने से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो प्रोसेस एक फीड किया हो प्रोग्राम है तभी बर्थ देते हैं वो किसी अपने जैसे को, चाहे नर हो चाहे मादा हो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक भैंसे ने या एक गाय ने बिछड़ा पैदा किया, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम कहेंगे एक गाय ने बिछड़े को जन्मा, और जन्म लेना जो है ये एक प्रोसेस है, इसमें प्रोड्यूसर गाय नहीं होती है, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, यानी सिर्फ तीन चीज़ें हैं, एक है एक सुपर नेचुरल बीइंग जो नेचर है, जो दुनियावी है, मादी चीज़ें हैं, उसमें से कोई माफोकुल मादा कोई हस्ती होगी, चाहे अल्लाह होगा चाहे कोई और होगा, है एक नंबर। एक नंबर दो इंसान हो सकता है जो कि बा इरादा है, बा इरादा होने की वजह से वो इरादा करता है मैं कुछ बना लो, ठीक, बाअक्ल होने की वजह से वो जानता है कि कैसे एक नई चीज़ बनानी है, सही। अच्छा,
या कोई प्रोसेस होगी, नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से कोई चीज़ वजूद में आएगी, ठीक है। यानी प्रोसेस में एक कॉज होगा और इफेक्ट निकल आएगा। अगर ऐसा ना होगा, कोई उस इफेक्ट को दुनिया में लाने वाला नहीं हो सकता। किसमें से? इंसानों और सुपर नेचुरल के बगैर, बल्कि एक प्रोसेस हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो बिलउमूम हम ऐसा कह सकते हैं, कोई चीज़ आज खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती है, ज़रूर कोई न कोई बनाने वाला सान्या, इसमें आमतौर पर लफ्ज़ किया जाता है सान्या या खालिक, दो ही लफ्ज़ हैं, कोई तीसरा लफ्ज़ नहीं है। एक है खालिक, खलक करने वाला, एक है सान्या बनाने वाला। सान्या, सान्या से सान्या बनाएगा मसनू को, किसी चीज़ को, खालिक बनाएगा किसी मखलूक को, और मखलूक होगी ज़रूर खालिक होगा, मसनू होगा मसनू प्रोडक्ट, ज़रूर कोई सान्या होगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, ठीक। क्रिएचर क्रिएटर से ना, तो लिहाजा कोई चीज़ बगैर सान्य के, या कोई मसनू बगैर, कोई मखलूक बगैर खालिक के दुनिया में नहीं हो सकती। अक्ल से बईद है, यानी अक्ल इजाज़त नहीं देती है हम तस्वुर करें कोई चीज़ होगी बगैर सान्य या बगैर खालिक के, ऐसा नामुमकिन है, सही। लिहाजा इस बुनियाद पर हम जानते हैं पहले से ही, लेकिन इस नए टॉपिक से टच देने के लिए हम जानते हैं कि एक वसी और अरीज कायनात अल्लाह ने पैदा की है, ठीक। खालिक अल्लाह है और ये वास्ट यूनिवर्स जो है ये उसकी मखलूक है, और इस वास्ट मखलूक में, इस वास्ट यूनिवर्स में सबसे ऊपर किसको बनाया है? इंसान को, ठीक है। काउन ऑफ क्रिएशन इंसान। अब हम आगे चलते हैं। अब इंसान को जो बनाया, इंसान की खासियत क्या है? इंसान की खासियत यह है कि ये दो जहतों वाला, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों सूरत में पहले जो खालिक हमारा है, खालिक जो इस यूनिवर्स का है, इस खालिक के बारे में हमें जानना होगा कि ये खालिक जो है ये बहुत ही सिफतों वाला है, बहुत ज्यादा सिफात है इसके। आपको मालूम है कि आमतौर पर अस्माई हुस्ना, अस्माउल हुस्ना या अस्माई हुस्ना अल्लाह के सिलसिले में बताए जाते हैं, और उनकी तादाद सबसे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा, बल्कि कभी तो सिर्फ 99 अस्माई हुस्ना कहे जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ दुआए जोश कबीर है, उसमें हजार सिफात भी मौजूद है, है ना, 100 बंद है, हर बंद में 10-10 चीजें हैं, और उसका मतलब है हजार। तो गोया हजार सिफतें हो सकती हैं, आसमान 99 या 100, लेकिन सिफतें हजार अल्लाह की। इसके बारे में कुरान की, आप कुरान की तरफ जाएंगे, कुरान में सूरह कहफ की लास्ट बट वन आयत है, सूरह कहफ की लास्ट वन वन आयत आप निकालिए अपने इस पे मोबाइल पे, देख लिए, देख सकते हैं आप। कुल या रसूलल्लाह बताइए, कुल लौकानल अल बहरु मिदादन ले कलिमाते, पढ़िए पढ़िए आप वहाँ, रबी लन्नफिदा शबाश लन्नफिदा बाहरो काबलान तानफदा, काबलान तानफदा कलिमातु रबी, हाँ वला जेना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह खुद कह फरमा रहे हैं, इरशाद रब्बानी खुद है, किसे कहते हैं? जनाबी पैगंबर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, कुल या रसूलल्लाह कहिए, इनसे कहिए, अपनी उम्मत से कहिए, क्या कहिए?
लाव कानल बाहरो, अगर समंदर हो मिदादर बहसित सियाही के इंक, समंदर इंक का काम सियाही का काम करे, किस चीज़ के लिए, ले कलिमात रब्बी, कि अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के सिफात, अल्लाह की बातें लिखें, अल्लाह की, अल्लाह के बारे में लिखना है हमें। अगर समंदर क्या बन जाएगा, सियाही बन जाएगा, रोशनाई बन जाएगा, लन नफिदल बहरो, समंदर ख़त्म हो जाएगा, समंदर ख़त्म हो जाएगा, कबल अन तनफदा, कबल इसके कि ख़त्म हो जाए, तनफदा ख़त्म हो जाए, कलिमात रब्बी, मेरे रब के कलिमात, मेरे रब के बातें, मेरे रब के सिफात, वो तमाम नहीं होंगे और समंदर ख़त्म हो जाएगा। वलव जैना, अगरचे, अगरचे हम लाएँ, अगरचे हम इस्तेमाल करें, बिमिसली ही, इसी जैसा, समंदर जैसा, मदद के लिए मददा, ज़्यादा करने के लिए, इजाफा करने के लिए और भी समंदर ले आएँ, लेकिन पूरे अल्लाह के कलिमात नहीं हो सकते। ये है अजमत, ये है बड़ाई, ये है किबरियाई अल्लाह ताला की, ठीक है ना, सही है। ये एक आयत, ये हमेशा याद रखनी चाहिए, बहुत अजीम आयत है ये अल्लाह के बारे में। इसके साथ में आप सूरह हश्र की, ये है सूरह कहफ की, सूरह कहफ की कौन सी आयत थी, अल कहफ 109 109। इसके साथ है दूसरी 110 पैगंबर के बारे में, है वहाँ हमें अभी नहीं जाना है, हम फिलहाल अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, ठीक। अब आए सूरह हश्र पर, सूरह हश्र की लास्ट की तीन आयतें हैं, सूरह हश्र की लास्ट की तीन आयतें, लव अंजल ना शबाश आजुन सा पढ़िए, هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ठीक, هو الله الذي لا إله إلا هو. يا حسي, هو الله الذي, هو الله هو الذي لا إله إلا هو. जी, عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم, هو الرحمن الرحيم. जी, هو الله الذي, هو الله الذي لا إله, एक मिनट आराम से, आराम से पढ़े, هو الله الذي لا إله إلا هو. ये सब अस्माई हुस्ना है, अल मलिकुल कुद्दूस सलाम अल मुहैमिनुल मुमिनुल मुहैमिन, कुद्दूस सलाम अल मुमिनुल मुहैमिनुल मुतकब्बिर, सुभान अल्लाह अम्मा यशिकून, हाँ फिर खालिकुल بارئ المصور له الأسماء الحسنى حسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ठीक, सूरह हश्र
अल हश्र, कौन सी आयतें? तीन, लास्ट तीन, 22, 23, 24. ठीक, ये आयतें भी नोट करके रखें। अब ये हश्र वाली अगर आपने लिखी तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने नहीं लिखी है आप नंबर खाली नोट करके घर में लिख सकते हैं। أمس تشنا چون کہالت ترمس واریا اچھا جی یہ حصہ دیکھیں تین آیتیں هو اللہ وہ اللہ ہے الذی لا الہ الا ہوا جس کے بغیر کوئی معبود نہیں قابل عبادت نہیں قابل بڑائی نہیں قابل بزرگی نہیں الہ کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں اصل میں الہ کے معنی معبود اور معبود وہ ہے جو عبادت کے قابل ہو اور جب عبادت کے قابل ہو اس کا مطلب ہے جو بھی اس نے خالق چیزیں کی ہوئی ہیں ان سے عظیم ہو ٹھیک ہے نا تبھی تو قابل عبادت ہو سکتا ہے ورنہ قابل عبادت نہیں ہو سکتا لہذا اسی لیے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو وہی اللہ جو ہے وہی ہے جو کہ عبادت کے بغیر اس کے سوا کوئی نہیں ہے ہاں اس کے آگے پھر تو اس ایک حصے میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے عظمت ایسی کہ کوئی اس کا ہمسر اور اس کا ہمتا نہیں ہے پھر پہلا حصہ اس کے علم کے بارے میں عالم الغیب والشہادہ اس کے بغیر سب جو کوئی جانتا ہے عالم الشہادہ علم جانتا ہے علم الشہادت علم غیب تو نہیں لیکن اللہ کے پاس دونوں ہیں عالم ہے علم اس کے پاس ہے کس چیز کا غیب کا بھی اور شہادت کا بھی ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی غیب یعنی باطن شہادت یعنی ظاہر دونوں علم ہے اور اس کے علاوہ وہ کیا ہے هو الرحمن الرحیم وہ رحمان اور رحیم ہے رحمان رحمان کے معنی کیا ہے مہربانی کرنے والا کس پر ہر کسی پر چاہے اسے مانے یا نہ مانے یہ خاصیت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے کسی اور میں یہ خاصیت نہیں ہو سکتی کوئی نہ مانے تب بھی آپ اسے لطف و کرم کریں گے بغیر جو کامل انسان ہے پیغمبر ہے اوصیا ہے امام ہے وغیرہ عام انسان ایسا کرنا مشکل ہے تو لہذا رحمان ہے اور رحیم ہے رحیم کے معنی ہے رحیم مخصوص مخصوص مومنوں کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ جو ان اللہ کا رحم ہوگا اللہ کی مہربانی ہوگی وہ سوا ہوگی سوا یعنی زیادہ ہوگی تو یہ پہلا حصہ دوسرا حصہ واللہ لا الہ الا هو الذی لا الہ الا هو الملک بادشاہ ہے القدوس قدوس تقدس والا ہے اس کے بغیر تقدس کسی کے لیے مشخص نہیں ہے جو ہمارے یہاں مقدس ہوتے ہیں وہ مقدس معاب ہوتے ہیں مقدس تو ممکن نہیں ہے ہم عام لوگ ان کی بات کرتے ہیں جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں ان کی بات الگ ہے ان کی بات ہم نہیں کر رہے لہذا قدوس السلام جو کچھ سلامتی ہے جو کچھ ہے اس کا موجود ہونا اس کا صحیح و سالم ہونا اللہ کے لیے اللہ کی وجہ سے اس لیے وہ سلام ہے المومن المومن ایمان جو ہے کل ایمان جو ہے اور ایمان بخشنے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے محیمین محیمین برقرار رکھنے والا ہر چیز کو برقرار رکھنے والا سسٹینر سسٹینر اور اس کے علاوہ زبردست طاقتوں والا العزیز زبردست طاقتوں والا الجبار ہر کسی پہ سلطہ رکھنے والا کوئی سرتا بھی نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں المتکبر متکبر نے کبریائی بڑائی صرف اسی کا حق ہے کسی اور کی اور کا حق نہیں کہ وہ کبریائی کا دعویٰ کرے اس لیے سبحان اللہ
सुबहान, सुबहान यानी अजीम तरीन सिफत है अल्लाह की। सुबहान के मायने हैं हर कमी से, हर खामी से, हर बुराई से, हर नक्स से पाक व पाकीज़ा है अल्लाह। सुबहान बहुत बड़ा लफ्ज़ है ये, सुबहान, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह जो है वो सुबहान है, यानी हर बुराई, हर खामी, हर ऐब, हर नुक्स, हर उस चीज़ से मुबर्रा है जो कि शेवा नहीं है अल्लाह का। सुबहान अल्लाह। अम्मा यशरिकून, उस चीज़ से खासकर जो कि ये मुशरिक लोग उसकी तरफ नस्बत देते हैं, उससे भी वो मुनज़्ज़ह और पाक है। अल्लाह का बेटा है, बेटा रखने से, ज़ौजा रखने से वो मुनज़्ज़ह है, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बेनियाज है इन चीज़ों से। तो ये सुबहान अल्लाह। फिर हुवल्लाह, वो अल्लाह, वो अल्लाह है अल-खालिक, पैदा करने वाला वही है। क्या वही है खालिक, तो कोई और पैदा करने वाला नहीं हो सकता। अल-बारी, बारे बारे भी होता है पैदा करने वाला, मुसविर, सूरत बख्शने वाला। आप देखिए ना कितनी चीज़ें बनाई हैं, कितने लोग आदम से लेकर क़यामत तक बनाए हैं, और सूरतें जुदा गाना, कोई किसी दूसरी शख्स की सूरत से नहीं मिलता है, किसी न किसी चीज़ में मुख्तलिफ होता है। इसी को कहते हैं मुसविर, पेंटर। ब्रश में से तरह तरह की सूरतें निकलती हैं। अल्लाह ऐसा पेंटर है कि इतनी बड़ी कायनात में कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के मुशाबे, बिल्कुल हो बहु मुशाबे नहीं है। मुसविर लहुल आसमाउल हुस्ना, जो आसमाउल हुस्ना है वो सिर्फ उसी के हैं, किसी और में आसमाई हुस्ना नहीं है। जो सब्बेह, और उसकी बड़ाई ऐसी है कि तस्बीह पढ़ते रहते हैं, जो सब्बेह हो तस्बीह पढ़ते रहते हैं, तस्बीह करते रहते हैं, यानी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं। कौन? मा फिस समावाति वल अर्ज़, जो कि जो कुछ भी ज़मीनों और आसमानों में है वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ये अज़ीज़े वाला है, और हकीम, हकीम दाना, हिकमत वाला, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मालिक, अक्ल का मालिक अल्लाह है। आप समझ रहे हैं, हकीम, हकीम, ये हकीम एक ख़ास लफ्ज़ है, अजीज़ एक ख़ास लफ्ज़ है, आलिम एक ख़ास लफ्ज़ है। तीन लफ्ज़ इसमें ख़ास उल्ख़ास हैं, और ये तीन लफ्ज़ जो हैं ये अल्लाह की बड़ाई पे, अगर सिर्फ ये तीन लफ्ज़ होते तो काफ़ी होता। ताकत वाला, ताकत वाला कि अला कुल शैइन क़दीर, ये है अजीज़। अजीज़ यानी हर जो जो भी आप तस्वुर कर सकते हैं, आप ही नहीं, जो कि आपके तस्वुर में नहीं भी आ सकता है, वो भी अल्लाह खुद रखता है इस चीज़ पर, कादिर है इस चीज़ पर कि वो पैदा करे, वो करे, कुदरत है, अजीज़ ये है। और ये कैसे कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो हकीम है, और हकीम कौन से की वजह से कोई गलत काम नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता जो कि हिकमत से खाली हो, हिकमत से अलग हो, हिकमत में ना हो, यानी जो कुछ है वो बेहतरी के लिए है, बुराई के लिए कोई चीज़ नहीं है। इंसान का मरना तक उसके हक में अच्छाई है, न कि बुराई है। तो हिकमत, और तीसरी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इस वजह से हैं कि अल्लाह के इल्म में कोई हद नहीं है, बेहद व बेहिसाब, बेकरां, ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा ही नहीं है। उसके इल्म का जो तरीका है वो ऐसा है, उसके इल्म की हैयत जो है वो ऐसी है जैसे समंदर होता है बगैर किनारों के। हर समंदर का किनारा होता है, लेकिन अल्लाह के इल्म के समंदर का कोई किनारा नहीं है। तो ये है अल्लाह के बारे में। और जब ये हस्ती है तो जो कुछ उसने खल्क किया है, क्या वो इस हस्ती को अपने तस्वुर में ला सकते हैं पूरे तौर पर? यह सवाल है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सवाल हमारा ये है कि जो कुछ अल्लाह ने खल्क किया, बशमूली इंसान के, जिसको सबसे ज़्यादा बाकमाल बना दिया, क्या अल्लाह की इतनी सारी हस्ती उसकी सोच और समझ के दायरे में आ सकती है? नहीं आ सकती। यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत, अपनी हकमत और अपनी
इल्म के साथ बहुत सारी चीजें लिए हुई है जो कि पिनहान है, पोशीदा है। कहा था ना कौन तो कंजर में एक खजाना था, एक ऐसा खजाना है जो कि पोशीदा है हमसे इंसान के बगैर। जो कहे तो उसकी तो बात ही नहीं, इंसान के बगैर जो कुछ कायनात में है उसकी बात ही नहीं है। कुछ तो बिल्कुल बेशऊर है, कुछ थोड़ा सा शऊर रखते हैं। इंसान सबसे ज्यादा शऊर वाला है दुनिया के अंदर, लेकिन वो इतना शऊर नहीं रखता कि इतना सारा कुछ उसके शऊर में समा सके। मिसाल के तौर तो हम एक मिसाल देंगे, ज्यादा नहीं देखें, हम मिसाल देंगे। हजरत मूसा ने कहा था अल्लाह से कि मुझे अपना जलवा दिखाइए, अपना वजूद मुझे दिखाइए। अल्लाह ने क्या कहा? लन तरानी, मुझे नहीं देख पाओगे। लन तरानी, मुझे नहीं देख पाओगे। दूसरी जगह कुरान में है ला युद्रिकुहुल अवसार, उसे जो हमारी आंखें हैं ला युद्रिकु, वो इदराक नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते, आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती। ठीक है कि नहीं? अब हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, यानी मुसलमानों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं दुनिया में सही है, दुनिया में नहीं देख सकते लेकिन आखिरत में देख सकते हैं, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब एक चीज है ये जहन में उनके नहीं आ रही, एक बात कि देखना जो है, देखना इदराक करना, देखना देखना जो है, देखना यानी रोयत, रोयत रोयत जो है, रोयत में ऐसा है कि जब आप कोई चीज देखते हैं, जो ही देखते हैं आप देखते हैं, वो चीज जो मेरी नजर में आ गई उसकी हदबंदी हो गई। ये कलम है, ये आप देखते हैं तो ये कलम यहां से यहां तक है, क्या इसे आगे है? अब मोटाई में इतना सा है, क्या इसे ज्यादा मोटा है? नहीं है। गोया जो चीज देखी जाती है, जो चीज रोयत की जाती है, उस चीज के हदूद होते हैं। हदूद जब आप हो गए ना, हदूद हदूद यानी हदबंदी, हदबंदी यानी डिलिमिटेशन, कोई लिमिट आप लगाते हैं। तो अगर अयामत में भी देखा जाए अल्लाह ताला, तो उसका मतलब है उसको जितना कुछ देखा जा सके उससे बाहर जो है, उस बाहर वाले हिस्से में अल्लाह नहीं है। ये कलम जो है ये इतना सारा है, इससे बाहर कलम नहीं है, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं है कि नहीं? इसलिए अगर देखने वाली चीज हुई अल्लाह कयामत के दिन भी, तो जितना देखा जाएगा उससे बाहर अल्लाह का वजूद नहीं होगा, क्योंकि देखने से हम उस चीज को महदूद करते हैं, हद लगाते हैं, यहां तक, यहां से यहां तक है अल्लाह, यहां से यहां तक है अल्लाह, इसे आगे नहीं, इसे इधर नहीं। ठीक है ना? तो गोया हमने क्या किया, अल्लाह को छोटा बना दिया, अल्लाह को छोटा बना दिया। जो कुछ वजूद है उस सारे वजूद पर छाया हुआ है अल्लाह ताला। ठीक है ना? हर जगह मौजूद, जहां का भी आप तस्वीर कर सकते हैं वहां भी अल्लाह मौजूद। लेकिन जो ही देखेंगे तो देखने से क्या होगा, अल्लाह महदूद हो जाएगा, और उस महदूद हिस्से से बाहर अल्लाह का वजूद बाकी नहीं रहेगा। तो गोया अदम आ जाएगा अल्लाह के बारे में, और अल्लाह और अदम ये आपस में मुतजाद है, ये यकसान नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये मसला है। तो लिहाजा इस मसले के सिलसिले में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं आगे जाने से पहले कि अल्लाह एक इंसान के तस्वुर में नहीं आ सकता, और इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, और अल्लाह इंसान से पोशीदा है अपनी कुदरतों के समेत, अपनी हिकमतों के समेत, अपनी सिफतों के समेत, और अपनी ज़ात व सिफात के समेत। अल्लाह की जो ज़ात व सिफात हैं, दो चीज़ें हैं, एक होती है ज़ात, ज़ात असल चीज़, और होती है उसके अलावा सिफात। अल्लाह में ये एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग करेंगे तो जूस बन गए, जब जूस बने गए तो अल्लाह को हमने बांट लिया दो हिस्सों में, और अल्लाह के बारे में ये अलग अलग नहीं है, एक जो ज़ात है वही सिफात है, जो सिफात है वही ज़ात है। लेकिन ये ज़ात व सिफात का मसला जो है, अपनी कुन है ज़ात व सिफात के समेत अल्लाह अपनी मखलूक से पोशीदा है। पोशीदा होना लाजिम है, क्योंकि जो मखलूक है मखलूक के इदराक में, मतलूक के मखलूक के हिस में, मखलूक के सेंसेस में अल्लाह नहीं आ सकता है।
ठीक है कि नहीं। तो ये हिस्सा इंशाल्लाह कल जारी रखेंगे नबुवत की तरफ जाने के लिए। वल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन।